विधानसभा के चुनावी रण में किन्नर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ में जहां 4 किन्नर ताल ठोक रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में भी 6 किन्नर उम्मीदवार मैदान में हैं। लोगों को दुआ देने वाली किन्नर अब जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। बच्चों के जन्म, शादी ब्याह के मौके पर बधाई मांगने वाले किन्नर चुनावी रण में भी दिग्गजों से दो दो हाथ करने को तैयार है। समाज सुधार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरने का इनका जज्बा ही सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 4 किन्नर ताल ठोक रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में 6 किन्नर उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अधिकतर निर्दलीय ही मैदान में डटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के दूसरे व आखिरी दौर के चुनाव में प्रेमनगर सीट से विद्याबाई बघेल मुकाबला कर रही हैं। वहीं हाई प्रोफाइल अंबिकापुर सीट से मुस्कान रजक मैदान में हैं। इसी तरह बिलासपुर सीट से राजा किन्नर प्रत्याशी है। वहीं दुर्ग शहर सीट से कंचन सेंद्रे दो दो हाथ कर रही हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो अम्बा सीट पर नेहा किन्नर किस्मत आजमा रही है। हाई प्रोफाइल दमोह विधानसभा सीट से रिहाना सब्बो बुआ मैदान में है। जयसिंह नगर सीट से शालू मौसी प्रत्याशी है। वहीं पूर्व विधायक शबनम मौसी कोतमा सीट से उम्मीदवार है। होशंगाबाद सीट से किन्नर पांची देशमुख अखिल भारतीय हिंदू महासभा पार्टी की टिकट पर मैदान में है। वहीं इंदौर 2 नंबर विधानसभा से बाला किन्नर ताल ठोक रही हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 1,85,45,819 वोटर हैं। इनमें थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 1,059 है। इसी तरह मध्य प्रदेश में कुल 5,03,94,086 मतदाता हैं, जिनमें थर्ड जेंडर वोटरों की संख्या 1,410 है। किन्नरों के चुनाव लड़ने का ये आत्मविश्वास कहीं और से नहीं बल्कि उनकी ही बिरादरी से मिला है। साल 2000 में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की सुहागपुर विधानसभा उपचुनाव में शबनम मौसी ने चुनाव जीत कर इतिहास रच दिया था। इसके बाद नगरीय निकायों में भी कई किन्नर मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष चुनकर आए। हमेशा समाज की बेहतरी की दुआ देते आए किन्नर इस चुनाव में लोगों का आशीर्वाद मांगने निकले हैं। ना कोई लाओ लश्कर, ना कोई दिखावा। स्टार प्रचारक भी खुद हैं, चुनाव भी सीमित बजट पर लड़ रहे हैं। जनता के बीच नया विकल्प बनकर उभरे ट्रांसजेंडर चुनावी रण में कितना सफल होंगे, ये तो 11 दिसंबर के नतीजों में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।